हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी को एक बार स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है वो एक मोटरसाइकिल से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी ही वीडियो है। आपको हर वीडियो में, जैसे कि आपको कुछ ना कुछ मेरे वीडियो में आपको सीखने को मिलता है, तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल बजाज पल्सर आप देख सकते हैं, ये जो पल्सर आते हैं तो इसमें 5 LV का बैटरी लगे हुए आते हैं, इसमें 5 LV का बैटरी आते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग बताते हैं कि मोटरसाइकिल में जो बैटरी आते थे वो 2 LV का, पहले वाले जो हीरो होंडा स्प्लेंडर वगैरह ये सब आते थे उसमें 2 LV 3 LV का बैटरी लगे हुए आते थे, जिसमें कि मतलब सेल्फ सिस्टम ही नहीं था, तो उस समय 2 LV 3 LV का बैटरी आते थे। और बाकी सेल्फ वाले जितने भी गाड़ी मतलब आ रहे हैं वो सभी में मतलब 4 LV से नीचे की बैटरी नहीं लगते हैं। अभी जितने मतलब ग्लैमर वगैरह जो छोटी बाइक है, 100 CC का बाइक है, वो सब में 4 LV का बैटरी लगता है, बाकी सभी में 5 LV का बैटरी लगता है। तो सबसे पहले हम ये बता दे रहे हैं कि मोटरसाइकिलों के लिए बैटरी कौन कौन सी आती है। पहला, जो पुराना मॉडल की बाइक है जो बंद हो गया है, जो बैटरी बैटरी बंद हो गया है उसको छोड़ो, जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो हम बता रहे हैं। अभी बैटरी चल रहा है 4 LV 5 LV 7 LV 9 LV। तो 4 LV बैटरी किस में लगता है? 100 CC के बाइक में 4 LV बैटरी लगता है, बाकी बड़ा गाड़ी जो उससे थोड़ा बड़ा रहे, जैसे पल्सर 125 150 में मतलब बैटरी आता है 5 LV का बैटरी आता है। और जो इससे ऊंचा मॉडल का रहता है, यामाहा वगैरह हो गया है, और 250 300 CC का बाइक में आता है 7 LV का बाइक आता है। और जो बुलेट बाइक है भाई, सबसे महंगा बैटरी आता है बुलेट में, उसमें 9 LV का बैटरी आता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि जो 9 LV का बैटरी आते हैं और जो 4 LV के बैटरी आते हैं, इसमें क्या अंतर है? क्या हम बुलेट में 4 LV का बैटरी लगा देंगे तो चलेगा? इसमें लगता है 5 LV का, तो क्या इसमें हम 4 LV का बैटरी लगा देंगे तो क्या चलेगा? तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं और पूरा एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि क्या ये गाड़ी में 5 LV का 4 LV का बैटरी लगाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरे गाड़ी में 5 LV का बैटरी लगता है, आपको खोल के हम दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स, मेरा बैटरी ऑलरेडी खराब हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम स्क्रीन पे लेके जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले हम ये दिखाते हैं, मेरे गाड़ी में अभी 5 LV का बैटरी लगा हुआ है और ये आप देख सकते हैं मेरा चाबी ऑन है। और अभी हम अपना गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो क्या साउंड आता है? नहीं, स्टार्ट नहीं उठा रहा है। अगर हम ये स्विच दबाएंगे तो आप देखना वहाँ पे नीटोल का लाइट जल रहा है, वो सब कट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा बैटरी पूरा बैठ चुका है। अब बात करते हैं कि इसमें बैटरी कौन सा लगा है, आपको हम दिखाते हैं। ये कंपनी का ही बैटरी लगा हुआ है, गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसमें कंपनी का ही बैटरी लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं कि इस ये गाड़ी में 5 LV का कंपनी का ही बैटरी लगा हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं ETZ5 का ही बैटरी लगा हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि क्या इसमें हम 4 LV का बैटरी लगाएंगे तो क्या इसमें 4 LV का बैटरी से गाड़ी को स्टार्ट होगा और क्या गाड़ी को चला पाएगा, और 4 LV का बैटरी लगाने से क्या नुकसान है, क्या नहीं नुकसान है, क्या प्रॉब्लम होते हैं, और 4 LV का बैटरी लगा के हम कौन कौन सी गाड़ी को हम चला सकते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। और 4 LV का बैटरी लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं ये भी वीडियो को पूरी देखना, आपको एंड में सारा चीज हम बताएंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है कि आप अगर 4 LV का बैटरी लगाते हैं तो गैस ये बैटरी हमारा
खुल चुका है, ये एक्साइड कंपनी का गाड़ी का ओरिजिनल ओरिजिनल बैटरी है ये। अब हम एक्साइड कंपनी का ही बैटरी लेके आए हैं, एक्साइड कंपनी का ही बैटरी हम लेके आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये न्यू न्यू ब्रांड हम लेके आए हैं। 36 मंथ की वारंटी दिया गया है और इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में आते हैं वारंटी कार्ड। ये वारंटी कार्ड है और ये 4 LV का बैटरी है, और ये 4 LV का बैटरी है। और फ्रेंड्स, बैटरी में भी अंतर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 LV का बैटरी कितना बड़ा है और 5 LV का बैटरी कितना बड़ा है। दोनों बैटरी आप देख सकते हैं, 4 LV, 5 LV और 4 LV का बैटरी में बहुत ज्यादा अंतर भी है। ऐसा नहीं है कि 4 LV 5 LV में कोई अंतर नहीं है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बैटरी कितना बड़ा है और ये बैटरी कितना बड़ा है। और अभी हम इसको लगाने वाले हैं अपने गाड़ी गाड़ी में कि इससे क्या स्टार्ट होता है या नहीं होता है, और इससे गाड़ी चलता है क्या नहीं चलता है, और इससे क्या आपको प्रॉब्लम आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। ये सारा सारा डॉट आज की इस वीडियो में हम आपका क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैटरी को 4 LV का एक्साइड का बैटरी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं फाइनली हम 4 LV का बैटरी लगा चुके हैं। मेरे गाड़ी में 4 LV का बैटरी लग चुका है। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्या इससे स्टार्ट होता है या नहीं होता है वो हम देखने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आप लोगों को कि क्या ये गाड़ी स्टार्ट होता है या नहीं होता है। और ये हम चाबी को ऑन किए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा मीटर ऑन हो चुका है। अब हम लगाते हैं सेल्फ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं 4 LV का बैटरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी 4 LV का लगा हुआ है। ये 4 LV का बैटरी से हम स्टार्ट कर किए हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों को दिखाते हैं स्टार्ट करके। आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 LV का बैटरी लगा हुआ है और ये हम चाबी ऑन किए और ये दबाए दबाए सेल्फ। आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 4 LV के बैटरी से मेरा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है। और अब हम आप सबको ये इसके बारे में बताते हैं कि आप अगर 4 LV की बैटरी से अपने गाड़ी को, इसमें 5 LV का लगता है, और अगर 4 LV का लगा के स्टार्ट करके आप चलाते हैं तो आपका क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा हो सकता है, ये दोनों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स में आप समझाने वाले हैं। तो गाइस, अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें लगता है 5 LV का बैटरी, और अगर आप 4 LV का बैटरी लगा के चलाते हैं तो क्या नुकसान है और क्या फायदा है। तो सबसे पहले आपको हम बताने वाले हैं कि आप अगर 5 LV का बैटरी लेते हैं तो इसका कीमत आपको मतलब 1400 से 1600 1700 के 1600 के आसपास में आपको मिलेगा। ये प्राइस पड़ जाएगा आपको मतलब 1300 से लेके 1600 के अंदर आपको मिलेगा। और अब अगर आप ये 4 LV का बैटरी लेते हैं तो 1000 से 1200 के अंदर आपको 4 LV का बैटरी आ जाएगा। 36 महीने की वारंटी वाला भी आता है, 48 महीने की भी वारंटी वाला आता है। और अगर आप 7 LV का लेते हैं तो आपका मतलब 2000 के लमसम पड़ जाता है, और 9 LV का बैटरी बुलेट का लेते हैं तो आपको 3000 के समथिंग आपको रेट पड़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये फायदा है कि अगर आप बुलेट में भी लगाते हैं ये 4 LV का बैटरी तो आपको मतलब बुलेट भी चलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस। हम अपना एक्सपीरियंस की बात करते हैं। पहले मेरे पास डिस्कवर बाइक था, उसमें भी 5 LV का बैटरी लगता था, जिसमें से जब वो बैटरी कंपनी का बैटरी खत्म हो गया था, डाउन हो गया था, तो हम 4 LV का बैटरी हम लगा के चला रहे थे, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं था। और दिक्कत था वो भी हम आपको बताएंगे। और मेरा एक ओनर है जिसका नाम है शाहिद, उसका बुलेट है, तो उसके बुलेट में 9 LV का बैटरी लगता है, तो 9 LV का काफी महंगा बैटरी पड़ता है। तो उसके पास ग्लैमर बाइक भी है जिसमें 4 LV का बैटरी लगता है, तो वो अपना 4 LV का बैटरी खोल के बुलेट में लगा के
वो सेल्फ से स्टार्ट करके चला रहा था, उससे कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत भी हुआ था तो लास्ट में दिक्कत हुआ था तो वो आपको लास्ट में बताएंगे। तो आप अपने फायदे के लिए आप 4LB का बैटरी खरीद के आप अपना मोटरसाइकिल में, कोई भी मोटरसाइकिल हो, 9LB तक बैटरी आता है मोटरसाइकिल में, कोई भी मोटरसाइकिल में आप लगा सकते हो। ये LB अलग होते हैं, LB का मतलब LB अलग होते हैं, तो इसमें पावर अलग होते हैं, पावर अलग होते हैं, इसका क्षमता ज्यादा होता है LB बढ़ाने से। और वोल्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो वोल्ट सेम होते हैं उस 4LB में भी 4LB में भी 12 वोल्ट आते हैं, और 7LB, 5LB, 9LB में भी 12 ही वोल्ट होते हैं। आपको पता ही होगा कि बैटरी 12 ही वोल्ट के आते हैं, और चाहे वो गाड़ी का हो या इन्वर्टर का हो या मोटरसाइकिल का हो, बैटरी 12 ही वोल्ट की आते हैं। तो अब नुकसान की बात करते हैं कि अगर आप 4LB की बैटरी लगा के चलाते हैं तो आपका नुकसान क्या होता है। सो सबसे पहला नुकसान हम बताते हैं कि हम इतना दिन लाइफ में चलाए हैं और आज भी हम चला रहे हैं 4LB का बैटरी से, हम ये पल्सर चला रहे हैं, तो नुकसान आपको सिर्फ इतना है कि ये बैटरी का अगर टिकाव है 36 मंथ की हमको गारंटी दिया है, 100% फ्रेंड से ये 24 मंथ में खराब कर देगा आपको बैटरी को, 24 मंथ से ज्यादा नहीं टिकेगा। पहला। दूसरा ये है, अगर आप 5LB का ही लगाते हैं तो दूसरा क्या फायदा है, हम आपको बता रहे हैं कि दूसरा आपको इसको लगाते हैं, 5LB का ही लगाते हैं इसमें बैटरी, तो इसका अगर आपको 36 मंथ की गारंटी आता है तो हम लिखित के साथ हम आपको बोल दे रहे हैं कि 40 महीना से लेकर 48 महीना तक चलेगा आपको, यानी कि एक साल एक्स्ट्रा इसमें लाइफ बढ़ा के चलेगा कि घटेगा नहीं, और ये बैटरी में आपको 100% लाइफ घटा देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो हम आप लोगों के साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हमारा आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए सक्सेसफुल और हेल्पफुल रहा होगा, और हमारा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में फ्रेंड्स आपको कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मतलब अलग अलग कंटेंट में, अलग अलग टेक्नोलॉजी में वीडियो लेके आते ही रहते हैं और आते ही रहेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड बाय।